हो, आपको जो होटल पे जाने के लिए टैक्सी कॉस्ट करेगी ना, वो समवेयर अराउंड 2000 के आसपास। डिटेल्ड वीडियो आपको बनाना है, वीडियो इन द सेंस कि कहाँ पे स्क्रैच है, कहाँ पे डेंट है, 5000 रुपीज। यू वॉन्ट बिलीव, आप स्क्रैच देखो कितना जरा सा स्क्रैच है जो कि। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत सारे मेरे को कमेंट आ रहे थे एंड सबको कॉस्टिंग जाननी थी। कॉस्टिंग किसकी जाननी थी कि मैं गोवा भी ट्रैवल करके आया था, तो मैंने ना वहां पर रेंट की हुई थी कार, कार रेंट की हुई थी मैंने 6 डेज के लिए। सो लोगों के काफी क्वेश्चंस आए क्या कॉस्टिंग है एंड कैसे कर सकते हैं उसको रेंटिंग। तो आज ये वीडियो उसी पे है, रेंट अ कार इन गोवा। सो सबसे पहले तो क्या होता है ना कि गोवा एयरपोर्ट है ना, वो मतलब कहीं पे भी आप नॉर्थ गोवा में स्टे करते हो या साउथ गोवा में स्टे करते हो, सो इट इज वेरी फार, मतलब इन द मिडल ऑफ द सेंटर में है नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा के। तो अगर आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द पब्लिक नॉर्थ गोवा ही जाती है, तो नॉर्थ गोवा अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको क्या होगा ना, आप एयरपोर्ट पे जब लैंड होगे ना, तो जो भी आपका होटल हो, आपको जो होटल पे जाने के लिए टैक्सी कॉस्ट करेगी ना, वो समवेयर अराउंड 2000 के आसपास करेगी। प्लस फिर आप वहां होटल में जाओगे, वहां पे कोई चीज रेंट करोगे, अगर आप देखो बाइक रेंट करते हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सिंपल आप टैक्सी से जाओ और बाइक वहां पे रेंट करो, बिकॉज बाइक चीपेस्ट पड़ती है आपको, 300-400 के आसपास पड़ जाती है। एंड दूसरी चीज क्या होती है, पार्किंग भी आपकी बहुत बच जाती है, क्योंकि पार्किंग जो नॉर्मल है गाड़ियों की, हर जगह आप जाओगे, हर बीच पे जाओगे तो 100 रुपीज है। एंड जो नॉर्मल स्कूटी है, बाइक की है घूमने के लिए, वो आपको शायद 30-40 रुपए की होगी, मुश्किल से 20-30 रुपए की होगी। तो मैंने जो क्या किया था, क्योंकि मेरे को गाड़ी ही चाहिए थी, तो गाड़ी मैंने रेंट की थी मैंने एक्चुअली। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो भी आपकी फ्लाइट है उसकी टाइमिंग्स देखो, टाइमिंग क्या है। एंड सबसे पहले आप जाओ गूगल पे एंड सर्च करो रेंट अ कार। आई विल नॉट रिकमेंड कि किसी का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर या नाम डालू, बिकॉज क्या होता है ना, आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, बिकॉज जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो 800 से स्टार्ट हो जाती है। अब 800 में माना कि आपको 800 से वैगनार वगैरह मिलना चालू हो जाती है, एंड उसकी कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड्स कौन सी गाड़ी आप रेंट करते हो। थार वगैरह आप रेंट करोगे तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 4-5000 रुपीज अ डे। बट जो मैंने रेंट की थी, वो मैंने रेंट की थी स्विफ्ट, हालांकि मैंने मैनुअल मांगी थी उनसे, क्योंकि मैनुअल का जो मेरे को उस टाइम पे सितंबर के मंथ में कॉस्टिंग पड़ रहा था, वो 1000 के आसपास पड़ रहा था। बट मैनुअल उनके पास थी नहीं, ऑटोमेटिक थी शायद अवेलेबल, तो उन्होंने मेरे को ऑटोमेटिक दे दी, जो थोड़ी हायर कॉस्ट में रहती है ऑटोमेटिक, एंड लेटेस्ट था। सो सबसे पहले आपको नेट पे जाना है, अपने इंक्वायरी डालना है, 3-4 जो भी रेंट अ कार के वेंडर्स है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप गूगल करोगे रेंट अ कार इन गोवा, देयर आर लॉट ऑफ लिस्ट, आप वहां पे नंबर डालो एंड नेगोशिएट करो। उसके बाद जब आपको लगता है कि यहाँ मेरे को अच्छी डील मिल गई है, 1000 या 1200 के आसपास आपको मिल जाएगी, स्विफ्ट वगैरह मिल जाएंगी आपको, स्विफ्ट i20 ये सब मिल जाएंगी, तो आप जाओ वहां पे फिक्स करो। देन अपनी जो भी फ्लाइट की टाइमिंग है, फ्लाइट की टाइमिंग उनको बताओ, देन वो जो भी उनका ड्राइवर होगा वो वहां पे गाड़ी लेके आ जाएगा एयरपोर्ट पे। सो आपको क्या करना है, आपको एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही बुक करना है, सो दैट आपका जो कॉस्टिंग है ना, जो फेयर है, फेयर इन द सेंस जो आप एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एयरपोर्ट, वो भी आपका वहां पे सेव हो जाएगा। सो आपको वहां से गाड़ी लेनी है, एंड सिंपल सा क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना, सबसे पहले ना गाड़ी का एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाना है, वीडियो इन द सेंस कि कहां पे स्क्रैच है, कहां पे डेंट है, सो दैट जब आप गाड़ी वापस करोगे ना, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो जो जिससे भी आपने रेंट की है वो आएगा बोलेगा अरे यहाँ पे आपने स्क्रैच मार दी, ये मार दिया। तो आपके पास पूरा वीडियो होना चाहिए, जो 360 आप डिग्री व्यू ले लो एंड गाड़ी का वीडियो ले लो, सो दैट कि जब आप गाड़ी वापस करोगे ना, तो अगर वो कुछ बोलता है तो यू कैन शो देम कि नहीं ये पहले से ही स्क्रैच था। सो इट इज कंपलसरी। तो मैंने क्या किया था, ये वीडियो चेकआउट करो। ये स्क्रैच है, ये स्क्रैच है, अरे ले लो यार, तब भी आज तो एक दिन तो चलाऊंगा ना, बाद में तो स्क्रैच मार दिया तो। कौन सी चेंज करके कौन सी लाओगे? तो ये वीडियो चेकआउट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वीडियो बनाना है। उसके बाद आप नॉर्मली सबसे पहले, क्योंकि पेट्रोल डीजल उसमें कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले आप पेट्रोल पंप पे जाओ, उसको पेट्रोल एंड डीजल चलाओ,
डलाओ जो भी आपकी जितने दिन भी आपको चलाना है, आपको लगता है इतने किलोमीटर चलाना है तो उस हिसाब से आप उसमें पेट्रोल डीजल डला सकते हो। बट गाइज एक चीज बहुत ध्यान रखना, वहां पे स्कैम बहुत ज्यादा होता है, वेदर इट इज आप कभी भी रेंट अ कार या कुछ भी करते हो ना तो स्कैमिंग बहुत ज्यादा होती है। स्कैमिंग इन द सेंस कि आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, अगर आपने गाड़ी को थोड़ा सा भी टच कर दिया ना तो आपको दे विल आस्क यू फॉर सीधा 5,000 रुपए आपसे मांगेंगे फॉर अ सिंपल नॉर्मल स्क्रैच ऑल्सो। सो ये फोटो देखिए आप, मैं यहाँ पे फोटो डाली हुई है। सो ये क्या हुआ था, मैं एक बीच पे गया होता है, आई थिंक कैंडलिम बीच पे ही था। सो एक फॉर्चूनर वाला बंदा आया, वो भी दिल्ली से ही आए हुए थे, तो उन्होंने आई डोंट नो उन्होंने भी रेंट की होगी कार, तो उन्हें पता नहीं इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो उन्होंने मेरी खड़ी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया। सो स्क्रैच लगने के बाद क्या हुआ ना, सो आई कॉल्ड द, बिकॉज मेरा वो नहीं है यार, अब किसी की गाड़ी में स्क्रैच लग गया तो मुझे भी पता है। सो आई कॉल्ड देम कि आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे स्क्रैच लग गया, मैंने उनको फोटो भेजी, तो व्हाट इट इज, मतलब इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, सो दैट मैं सामने वाले की गलती थी एंड दे एक्सेप्टेड वेरी वेल कि हमारी गलती है, जितना भी पैसा लगेगा वी विल पे। बट दैट गाय आस्क्ड फॉर 5,000 रुपीज, यू वॉन्ट बिलीव, आप स्क्रैच देखो कितना जरा सा स्क्रैच है जो कि आई थिंक रबिंग से ही निकल जाएगा। सो दे आस्क फॉर 5,000 रुपीज। सो मुझे भी ऐसा लगा यार ऐसा नहीं है किसी से अगर गलती हो गई तो उसको बिल्कुल लूट ही लो, तो आई फाइट डैम, आई टोल्ड डैम ठीक है जब मैं गाड़ी दूंगा तब बात करूंगा। तो फाइनली जब मैंने गाड़ी दी ना उनको तो काफी बहस के बाद, बट मैंने उसको 2,000 रुपीज जो सिक्योरिटी लेते हैं, हाँ वो सिक्योरिटी भी आपसे लेंगे समवेयर अराउंड 2,000 रुपीज, जो भी आपका जितने डेज का है जो आपका चार्जेस बनेगा वो लेंगे प्लस आपसे 2,000 सिक्योरिटी लेंगे। तो फाइनली जो मेरा सेटलमेंट हुआ वो 2,000 रुपए में हुआ, मैंने सिक्योरिटी उनसे वापस नहीं ली। आई टोल्ड देम कि भाई सिक्योरिटी रख लो, ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आप रबिंग भी कराओगे ये स्क्रैच निकल जाएंगे। सो दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी है कि आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है, बिकॉज ऐसा नहीं करना है कि गाड़ी को कहीं टच वगैरह कर दोगे, अदरवाइज दे विल आस्क यू फॉर अ लॉट ऑफ मनी एंड अल्टीमेटली ना आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा रेंट अ कार। सो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो पूरा गाड़ी का 360 डिग्री जब आप ले रहे हो तो आप उसका वीडियो बना लो, एंड दूसरा उसको आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ, ट्राई करो कि कहीं पे भी उस पर स्क्रैच नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। So guys, thanks for watching. This is my video for rent a car in Goa. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Bye. Take care.